हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। दोस्तों बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की, नेपाल वुमेन्स की बात करेंगे, लेकिन बहुत बेहतर खबर नहीं है। हम सब ने जैसा सोचा था शायद वैसा नहीं हुआ है। आप कहोगे प्रैक्टिस के लिहाज से चीज़ें बहुत सही हुई हैं, लेकिन जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं हुआ है। सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। तो उससे पहले भाई यार, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अब बात करते हैं क्या कुछ हुआ नेपाल वुमेन्स वर्सेस श्रीलंका वुमेन्स में, किस तरह से चीज़ें घटी मैच में, क्या कुछ रहा, उन सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। तो हम सभी को पता है कि नेपाल गई थी, नेपाल की वुमेन्स जो है वो श्रीलंका गई थी एशिया कप से पहले, और बहुत बेहतर ये सीरीज थी उनके लिहाज से कि आप एशिया कप से पहले वहाँ की जो सारी कंडीशन है उनको परखिए, पिचेस कैसी हैं, ग्राउंड कैसा है, एयर मूवमेंट क्या है, उसके लिहाज से आपको एशिया कप में काफ़ी बेनिफिट होगा। जहाँ पर आप गेंदबाजी करने आए, पहले श्रीलंका बल्लेबाजी करने आई, आपके गेंदबाजों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, सिर्फ 118 पर उनको रोक दिया, उनको 120 भी नहीं बनाने दिए। आपके लिए जो रिक्वायर्ड रन रेट था सिर्फ और सिर्फ वो मतलब 5 के ऊपर था, आप कहोगे 6 से नीचे था वो, आपको 119 बनाने थे जीत के लिए, लेकिन आपने क्या किया, आप 63 पे 9 हो गए। अब ये पूरा का पूरा स्कोर तो अभी सामने नहीं आया कि रीज़न क्या था कि वो लास्ट बैट्समैन बैटिंग करने ही नहीं आया, मेरे ख्याल से बैटिंग करने ही नहीं आया, वहाँ से श्रीलंका मैच नेपाल मैच हार चुका है, या फिर जो भी आता है तो आपको बाद में बता देंगे फिलहाल। लेकिन जो अभी चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो स्कोर ये है कि 63 पे 9 हो गई टीम। यहाँ पर कैसे आप करोगे, मैंने वही कहा था कि ये मेंस टीम वाली गलतियाँ मत दोहराइए जो यहाँ पर वर्ल्ड कप में मेंस टीम ने की थी। मेंस टीम बहुत बेहतर खेल रही है, लेकिन वर्ल्ड कप में गलतियाँ उनसे हो गई थी। अफ्रीका वाले मैच में तो ऑलमोस्ट हरा दिया था उन्होंने, वो एक रन वहाँ पर बनना चाहिए था, बना नहीं। यहाँ पर क्या होता है, और उसके बाद अगले मैच में बांग्लादेश वाले मैच में वो कोलैप्स कर जाते हैं, वो तो दीपेंद्र सिंह गैरी और कुशल मल्ला मैच को एंड तक ले जाते हैं, लेकिन एंड में स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक के बाद एक विकेट खोए, कोई बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एटलीस्ट एक बल्लेबाज को एक छोर संभाल कर रखना चाहिए था, एंड तक जाना चाहिए था, जो वहाँ पर दीपेंद्र कुशल मल्ला ने किया था एटलीस्ट वो तो कोई कर सकता था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल मतलब फाइट ही नजर नहीं आई, आपने बहुत निराश किया यार। यहाँ पर साफ तौर पर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी आपसे यहाँ पर कि आप श्रीलंका आए हो, हालांकि बहुत हार्श होने की जरूरत नहीं है, हमें भी फैंस को भी, जस्ट बिकॉज ये पहला मैच था आपका, श्रीलंकन कंडीशन में था, श्रीलंका अपनी कंडीशन में खेल रही थी, तो जरूर आप कहोगे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं नेक्स्ट मैच देखते हैं, लेकिन थोड़ी सी फाइट पुटअप करनी थी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुकाबला चलिए जीतते हारते अलग चीज़ होती, एटलीस्ट फाइट पुटअप करती है करते जो मेंस टीम ने साफ तौर पर करी थी वर्ल्ड कप में, आपने फाइट पुटअप नहीं की, वो एक गलत चीज़ थी। आप फाइट पुटअप करते ना तो आप दिल जरूर जीतते, मैच की अलग की चीज़ है, आप हारो नहीं तो वो चीज़ें चलती रहती हैं, आप फाइट पुटअप करते बहुत बेहतरीन चीज़ होती, लेकिन आपने एकदम से हथियार डाल दिए, आप 63 पे 9 हो गए। आपके गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, आपको बल्लेबाजी में मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको चाहे वुमेन्स टीम हो चाहे वुमेन्स टीम हो, बल्लेबाजी में आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, बल्लेबाजी पर काम करना होगा, बैटिंग कोच लाना होगा मेंस टीम में और एक अच्छा वुमेन्स टीम में, जिससे कि बैटिंग मजबूत हो। गेंदबाजी आप बेहतरीन करते हो, लेकिन जब बल्लेबाजी की बारी आती है आप शटर डाउन कर देते हो, आप हार जाते हो मैच, तो इन सारी चीज़ों को हैंडल करना होगा नेपाल को, देन आप चीज़ों को बेहतर कर पाओगे। इसके बाद एशिया कप है, फिलहाल ये पहला मैच था, आपको दूसरा मैच कल ही खेलना है, 16 को फिर तीसरा खेलना है, तो इन चीज़ों को अगले दो मैचों में शॉर्ट आउट करना पड़ेगा ताकि एशिया कप में आप एक बेहतर प्रिपरेशन के साथ जा सको, अदरवाइज फिर चीज़ें इस तरह से होंगी, फिर फैंस निराश होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो फिलहाल आप देखते हैं नेपाल वुमेन्स क्या कुछ करती है, फिलहाल आप बताइए क्या लगता है आपको कि नेपाल वुमेन्स अब क्या यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें बेहतर कर पाएंगी अपने लिहाज से, क्या अगला मैच जीत सकती हैं, जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए।